इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह अम्मा तौफीकिल्ला बिल्ला। तो हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह। और आप अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इब्ने आदम खर्च करो, मैं तुम पर खर्च करूँगा। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रबी इशराहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली, रबी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा 'अल्लमतना वअल्लिमना मा यन्फ़उना वज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह हमारा इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। इंशाअल्लाह पहले तिलावत सुन लेते हैं हम लोग। खर्च करने के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं इस सूरह बकरा एट 261 जो अभी आपने तिलावत समाप्त फरमाई। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हो। इस तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूनी अता फरमाता, यानी वो बढ़ा देता है, 700 दाने तक हो जाता है एक दाना। वो फरागदस्त भी है और अलीम भी है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह के सिफाती नाम है कि वो फरागदस्त है और अलीम भी है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हर नेकी का अजर 10 से 700 गुना है। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला फरमाते, हदीस मुबारक है, उसमें देखते हैं हम कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि आप अल्लाह ताला फरमाते अनफिक या इब्न आदम उनफिक अलैका। अल्लाह ताला फरमाता है ए इब्न आदम तू खर्च कर तो मैं तुझको दिए जाऊंगा। हम खर्च करेंगे तो हमारा माल कभी भी नहीं घटेगा, बढ़ता चला जाएगा। और आप सब ने देखा होगा ना कि बढ़ता ही चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अस्मा जी ने फ़ोन कर दिया होगा ना अपनी बहनों को। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते माल फ़ी सबीलिल्लाह, माल खर्च करने की तरगीब देते हैं। माल असल में इंसान की मरगूबात में से है। अल्लाह ने इंसान के अंदर माल की मोहब्बत रखी है ताकि उस महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत में आला दर्जात हासिल कर सके, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके। अगर माल से मोहब्बत ना होती तो दर्जात की बुलंदी ना होती। लेकिन मेरी बहनों, चूँकि इंसान माल की मोहब्बत में शदीद है तो अल्लाह ताला फरमाते व इन्नहु लिहुब्बिल खैरी लशदीद। फिर ये सूरतुल आदियात है कि आयत है, जितनी ये मोहम्मद ज़्यादा होगी उतना ही अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का सवाब भी ज़्यादा होगा। इंसान अपनी फितरत के एतबार से माल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता है, जैसे कि सूरतुल फजर आयत 20 में इरशाद बारी ताला है वह तो हिब्बुन अल माला हुब्बन जम्मा, और तुम मोहब्बत रखते हो माल से बहुत ज़्यादा, माल को जी भर कर अजीज़ रखते हो, बहुत मोहब्बत रखते हो। ये अल्लाह ताला फरमाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में माल खर्च करना, माल इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। हमारे माल के बगैर तो हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं होगी। हर चीज़ के लिए माल पैसा चाहिए होता है। जब वो उसका कुछ हिस्सा खर्च करता है तो गोया दूसरे लफ्ज़ों में अपनी ज़िंदगी की दूसरी बाज़ ज़रूरियात को क़ुरबान करके अपने बाज़ ऐशो इशरत को तर्ज करके दूसरों के लिए उसमें से हिस्सा निकालता है। तो जिस दर्जे की कुर्बानी करता है उसी दर्जे के बुलंद मकामात हासिल करता है।
और ये एक तरह से इंसानी खिदमत भी है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह। और ये खिदमत दरअसल इबादत ही की एक शक्ल है। अब इन्फाक में बहुत कुछ शामिल है मेरी बहनों, उसमें माल, हम तो माल ही समझते हैं ना, माल भी हम खर्च करें, इल्म भी उसमें जितना हमें हासिल हो उसको भी पहुंचाएं फैलाएं, वक्त हमारे पास है तो वो भी लगा दें किसी बीमार के लिए, किसी बेवा के लिए, किसी यतीम के लिए। तो माल में बहुत सी चीजें आती हैं, इन्फाक की चंद किस्में, माल, इल्म, वक्त, जा, महारत, ठीक है। तो तो हमें वो स्क्रीन नजर, यहाँ महारत, तो वक्त भी लगा दें, किसी को जो है कोई बीमार है उसकी इयादत को चले जाएं, को वक्त है तो अगर आपके पास कोई किसी का फौतगी हो गई है तो उसके लिए ताजियत के लिए चले जाएं। फिर जा यानी कोई मनसब मिला हुआ है, किसी ओहदे पर हैं तो वहाँ पे हम हलाल जरिए से मतलब कोई काम कर सकते हैं तो करें। कोई स्किल्स है हमारे पास, कोई इंटरनेट की स्किल्स है, कोई लकड़ी का काम आता है, कोई भी चीज़, कोई भी हमें महारत हासिल है किसी भी चीज़ में, तो उसमें भी हम लोगों की मदद करें। तो ये भी इन्फाक में सारा कुछ आएगा। तो इन्फाक की ये चंद, इन्फाक फी सबील अल्लाह की ये चंद किस्में हैं। माल नहीं है तो हम ये दूसरी चीज़ों में, इल्म है, वक्त है, जाओ है, महारत है, उसको हम खर्च कर सकते हैं, वो भी इन्फाक में आ जाए। लेकिन इस आयत में खास तौर पर माल खर्च करने की बात की गई है और एक मिसाल से बात समझाई गई है, क्योंकि मिसाल से बात समझना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करने की मिसाल, फी सबीलिल्लाह, जिहाद में खर्च करना, नेकी के कामों में खर्च करना, जैसे कि हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जहन्नम का जिक्र किया, उससे पनाह मांगी और चेहरे से एराज और नागवारी का इजहार किया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का जिक्र किया, उससे पनाह मांगी और चेहरे से एराज और नागवारी का इजहार किया, शोभा ने बयान किया कि दो मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन्नम से पनाह मांगने के सिलसिले में मुझे कोई शक नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम से बचो, ख्वा आधी खजूरी किसी को सदका करके हो सके, अगर किसी को ये भी मैसर ना हो तो अच्छी बात करके ही, तो अच्छी बात भी सदके में आ जाती है। फिर हम देखते हैं यही जो हमारी आयत थी आज की, हर नेकी का अजर 10 से 700 गुना है। लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकले और हर बाली में 100 दाने हो। अल्लाह ताला जिसे चाहे बढ़ा चढ़ा कर दे, और अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। फिर हम देखते हैं जहाँ तक 10 से 700 गुना नेकियों का ताल्लुक है, हर नेकी का अजर 10 से 700 गुना मिलना। रसूल अल्लाह ने फरमाया जिसने किसी नेकी का इरादा किया फिर इस पर अमल नहीं किया, उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जिसने किसी नेकी का इरादा करके उस पर अमल भी किया उसके लिए 10 से 700 गुना नेकियां लिखी जाती हैं। उस्मान जी आप ये करें कि जो आपने बनाई है ना वो शेयर करें, ठीक है, सही है, जो हमारी है वो शेयर करें, बाकी तो मेरी आवाज़ तो चली रही। वल्लाहु वासिउन अलीम, वो इल्म और कुदरत और रहमत और मगफरत में और उसके अलावा अपनी बाकी तमाम सिफात में भी वो वसअत वाला है। अलीम हमने पढ़ा इस आयत में, यानी वो इल्म वाला है, लिहाजा इसका ये मतलब हुआ इस आयत का कि वासिउन अलीम, लिहाजा वो देखता है कि किसने किस जज्बे से माल खर्च किया, तो इसी एतबार से उस पर उसका फजल ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये दो सिफात एक जगह पर आई हैं, वल्लाहु वासिउन अलीम, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो ये यहाँ चूंकि माल का जिक्र किया गया है, तो माल वो हर चीज होती है जो इंसान की मिल्कियत में हो, ख्वा वो कोई किस हिस्सी चीज हो जिसकी कोई कीमत या नफा हो। किसी चीजों में आता है दरहम, दिनार, डॉलर यानी करेंसी, ठीक है, गाड़ी, घर और जो है तमाम किस्म के मुनाफे, और मानवीय चीजें हैं जैसे कोई हुनर वगैरह, ठीक है। हुनर तो नजर नहीं आता है ना उसको छू सकते हैं, इसी चीजों को तो दरहम दिनार डॉलर्स को हम छू सकते हैं, रुपीस को छू सकते हैं, गाड़ी को छू सकते हैं, तो ये इसी चीजें होती है घर, और जैसे हमारा हुनर वगैरह उसको तो हम छू नहीं सकते, तो वो मानवीय चीजें। तो इन्फाक फी सबीलिल्लाह में इसी चीजें भी आती है, मानवीय आती है। फी सबीलिल्लाह दोष की दो शरायतें हैं, जब हम इन्फाक सिर्फ फी सबीलिल्लाह करें तो खालिस अल्लाह के लिए करें, उसमें कोई दया, दिखावा, फख्र, तकबुर ना हो कि मेरे पास इतना माल है, अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो। अजर जिसका शुमार मुमकिन ही नहीं है, तो इतना अजर अल्लाह देते हैं जब नियत खालिस होती है और शरीयत के मुताबिक होती है, तो अल्लाह ताला उसका अनगिनत जो है अजर देते हैं। फी सबीलिल्लाह, अच्छा, फी सबीलिल्लाह में दो चीज़ों का होना जरूरी है, कि एक अल्लाह के लिए खालिस हो, दूसरा यह कि शरीयत के मुताबिक हो। तो इन दो शरायत के साथ होने से अल्लाह बेहतरीन अजर देगा। फी सबीलिल्लाह ऐसा खर्च करना कर्ज हंसना है
मंजल लजी यखरजुल्लाह कर्जन हसना फयुदाइफहु लहु अदाफन कसीरतन वल्लाहु यक़बिदु वयबसुतु व इलैहि तुरजऊन। कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज, बस वो उसे उसके लिए बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ा देगा। अल्लाह बंद करता है, खोलता है, और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्लाह का अपने बंदों को खर्च करने पर उभारना, ये सूरह इब्राहिम की आयत 31 है कि कुल इबादी अल्लज़ीना आमनू युकीमु सलाता व युन्फिकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वलानियतन मिन क़ब्ली अन यातिया यौमुल ला बैउन फीही वला खिलालुन। मेरे बंदों से जो ईमान लाए कह दीजिए कि वो नमाज कायम करे और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है पोशीदा और जाहिर खर्च करे, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती। अब कर्ज हसना, मंजल रजी युखरिदुल्ला कर्जन हसना युदाइफहु लहु अदाफन कसीरा वल्लाहु यक़बिदु वयबसुतु व इलैहि तुरजऊन। ऐसा भी कोई है जो अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दे, पस अल्लाह ताला उसे बहुत बड़ा चढ़ा कर अता फरमाए। अल्लाह ही तंगी और कुशादगी करता है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। यानी अल्लाह उस माल को इतनी इज्जत देता है कि वो अपने जिम्मे उसे कर्ज के तौर पर लेता है। कर्ज का मतलब होता है कि लौटाना जरूरी है, यानी अल्लाह उसका अजर उसको कई गुना ज्यादा देगा। व युदाइफहु लहू अदाफन कसीरा, वो उसको उसके लिए ज्यादा बढ़ा देगा। जैसे कि एक दाना उसे 7 बाली, हर बाली में 100 दाना, तो 700 दाने हो गए। तो अल्लाह का अपने बंदों को खर्च करने पर उभारना कि कुल इबादी लजीना आमनू युकीमु सलाता व युन्फिकु मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन मिन क़ब्ली अन यातिया यौमुल ला बैउन फीहि वला खिलालुन। फिर अल्लाह ही के दुए माल से अल्लाह के साथ तिजारत करना। तो ये आयत है सूरत तौबा की 111। बिलाशुबा अल्लाह ने मुसलमानों से उनकी जानों को, उनके मालों को इस बात के इवज खरीद लिया है कि उनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल करते हैं और कत्ल किए जाते हैं, उस पर सच्चा वादा किया गया है तौरात में और इंजील में और कुरान में। अल्लाह से ज्यादा अपने अहद को कौन पूरा करने वाला है? तो तुम लोग इस बै पर, यानी इस तिजारत पर, बै कहते हैं खरीदो फरोख्त पर, इस तिजारत पर, इस बै पर जिसका तुमने मामला ठहराया है, खुशी मनाओ और ये बड़ी कामयाबी है। खर्च करने से मेरी बहनों क्या फायदा होता है? अल्लाह का कुर्ब और उसकी रहमत मिलती है। सूरतुल तौबा आयत 99 में फरमाया, वमिन अल आराबी मन युमिनु बिल्लाही वल यौमिल आखिरी व यत्तखिज़ु मा युन्फिकु कुरुबातिन इंदल्लाही व सलावातिर रसूल अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही इन्नल्लाह गफुरुर रहीम। और बाज़ अहले देहात में ऐसे भी हैं जो गांव से आते थे ना, जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसको इंदल्लाह कुर्ब हासिल करने का जरिया और रसूल अल्लाह ससम की दुआ का जरिया बनाते हैं। याद रखो उनका ये खर्च करना बेशक उनके लिए मौजिबे कुर्बत है, उनको अल्लाह ताला जरूर अपनी रहमत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। तो खर्च करने से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। उसके बाद हम देखते हैं इस आयत में मेरी बहनों खास तौर पर माल खर्च करने की बात की गई है। एक मिसाल से बात समझाई गई है, मिसाल से अमूमन बात समझना आसान हो जाती है। अल्लाह में, अल्लाह की राह में खर्च करने के मानी जिहाद में खर्च करते हैं, नेकी के कामों में खर्च करते हैं, दिल की आमादगी से खर्च करते हैं। अल्लाह उस चीज को कई गुना बढ़ा देता है। हर नेकी का अजर 10 से 700 गुना होता है। खुलूस और जज्बे के एतबार से दर्जे बढ़ाए जाएंगे। दिल की कराहियत के साथ हो सकता है कि 700 गुना भी ना बढ़े, तो कराहियत से नहीं करना है, दिल से करना है। फिर खौफ व गम से निजात का जरिया भी है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। लजीना युन्फिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रन वालानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो लोग अपने मालों को रात दिन छुपे खुले खर्च करते हैं, उनके लिए उनके रब ताला के पास अजर है और ना उन्हें खौफ है ना गमगीनी, ना वो खौफजदा होंगे ना वो गमगीन होंगे। तो कितने सारे अजर हम पढ़ रहे हैं इन्फाक फी सबीलिल्लाह। बेहतरीन नेमुल बदल, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशा
मिन इबादिही व यकदिरु लहु व मा अनफक्तुम मिन शयइन फहुवा युखलिफु व हुवा खैरुर खैरुर राज़िकीन। तो कह दीजिए मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह उसका पूरा पूरा बदला देगा, वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। तो वो खैरुर हुआ खैरुर राज़िकीन। अगर रोजी किसी की चली गई है, जॉब चली गई है, बिजनेस ठप हो गया है, तो हमेशा याद रखिए इस आयत को, याद के टुकड़े को, वह हुआ खैरुर राज़िकीन कि वो तो सबसे बेहतर रोजी देने वाला कोई दे ही नहीं सकता है, अल्लाह ही देगा। और जो वही है जो रोजी को कुशादा करता है, जिसके लिए चाहे तंग कर दे, जिसके लिए कुशादा कर दे, तो और फिर अल्लाह ताला जो भी हम खर्च करेंगे पूरा बदला देगा। जैसे हम पढ़ते ना फमई यामल मिसकारा जरतिन खैरियना वमई यामल मिसकाला जरतिन शरियना। अल्लाह बहुत जस्ट है, इंसाफ पसंद है, जर्रे बराबर भी हमने नेकी की होगी या खर्च किया होगा तो अल्लाह ताला उसके मुताबिक हमें देंगे। फिर हम देखते हैं कि दीन देने का उसूल पूरी कायनात में नजर आता है। हम देखते हैं सूरज देता है, सूरज से हमें धूप मिलती है, रोशनी मिलती है, गर्मी मिलती है, चांद भी हमें रात को कितनी ठंडी ठंडी सिल्वर किस्म की चांदी तक की तरह की रोशनी देता है। दरख्त देते हैं ऑक्सीजन, देते हैं दरख्त साया देते हैं, सब गर्मी में उनके साए के नीचे बैठ जाते हैं, फल फूल उगते हैं, फल हम खाते हैं और लुत्फानंदोज होते हैं, फूल तरह तरह के रंग बरंगे होते हैं उससे भी हम खुश होते हैं। फिर बादल भी देने वाले हैं, बारिश बरसाते हैं, बादल बादल साया मुहैया करते हैं, समंदर अपना पानी लेने जो है लेता है देता है, हवाएं बादलों को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, फिर वो बादल बरसते हैं फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये जो देने का उसूल है सारी कायनात के अंदर है, और जो भी देता है वो उससे बेहतर पाता है। तो हमें आयात कौनी में कायनात में गौर व फिक्र करना ही चाहिए। अभी सारी बातें मैंने बता दी आपको गौर व फिक्र की कि सब देने वाली है कायनात में चीज़ें हैं। इस तरह इंसान ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि मरने के बाद भी इसका फ़ायदा दूसरों को पहुँचाता रहता है अगर इन्फाक फी सबीलिल्लाह करेंगे, अच्छे काम करेंगे। देने वाले लोग अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह उनसे अच्छे बदले का वादा करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर पूरा पूरा वापस मिलता है, बल्कि 700 गुना तक आपने देखा ना मिल जाता है उसका अजर। अगर इंसान कायनात के साथ हम आहंगी पैदा नहीं करता यानी देने वाला नहीं बनता तो फिर महरूम रह जाता है, क्योंकि देने से कितने फायदे। फिर परेशानियां उसे घेर लेती हैं, जो दूसरों के दुख दर्द में काम आता है अल्लाह उसको भी इसी तरह तकलीफों दुखों और दूसरों से पता करते हैं। फिर है वमा तुनफिकु मिन शयइन फी सबीलिल्लाहि युवफ्फा इलैकुम वा अंतुम ला तुज़लमून, सूरतुल अनफाल आयत नंबर 60। और जो तुम जो चीज़ भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे वो तुम्हारी तरफ पूरी लौटाई जाएगी और तुम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जिस पर ये यकीन हो कि अमानत लाजमी वापस करेगा तो उसको आप खुशी से देते हैं। ये जो हम खर्च कर रहे हैं ये हमारे हाथ से ज़ाया नहीं हो रहा है मेरी बहनों, ये हमारे अपने ही लिए है, कहीं और जमा हो रहा है, वहाँ पर जमा हो रहा है, वहाँ हमें जो है बहुत उसके अजर और सवाब दुनिया में भी मिल रहे हैं वहाँ भी मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि माल दुनिया का बैंक क्या है, इंसान से सौदा करते हैं। दुनिया का जो बैंक है, दुनिया में जो हम जो भी काम काज करते हैं तो वो इंसान से सौदा होता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी हमें मोहलत भी नहीं मिलती है, ठीक है, कि नुकसान का खमियाजा भुगते हैं। फिर आखिरत का बैंक क्या है, अल्लाह से सौदा है, और दुनिया का बैंक अल्लाह से सौदा है। आखिरत के बैंक में हम जमा करेंगे अल्लाह से सौदा होगा, वापसी लाजिम में होगी, ज़रूर अल्लाह ताला देंगे, मुनाफा जो है अल्लाह ताला उसको 10 से 700 गुना बल्कि उससे भी ज़्यादा देंगे अगर इखलास के मुताबिक होगा। और फिर ये है कि जब जब कोई चीज़ चला जाए इंसान से जो सौदा है ना, दुनिया का बैंक है, दुनिया में जो खर्च करते हैं तो खसारा हो जाए तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे पिछले 10 में ना हमने पढ़ा था कि इंसान 4 हालतों में होता है ना, कभी तबीयत के मुताबिक चीज़ें हो जाती हैं तो उस पर खुश होना चाहिए और कहना चाहिए अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लक शुक्र कुल्लुहु। और कभी तबीयत के खिलाफ बात हो जाए तो हमने पढ़ा था वो सब, आप लोगों ने स्क्रीन शॉट भी लिया है, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुकसान हो गया, घाटा हो गया, फौतगी हो गई, इंसानी जान का नुकसान हो गया, तो कोई किसी तरह का भी नुकसान हुआ तो वो हमें कहना चाहिए
इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि हमें जो है तीसरी और चौथी चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि माजी के जो हमें गम और खौफ, गम होते हैं, अंदेशे होते हैं, तो उसमें हमें उसमें भी हमने दुआ पढ़ी थी कि उस वो भी पढ़ लेनी चाहिए। उसके बाद चौथी चीज़ हमने पढ़ी थी कि मुस्तकबिल के अंदेशे होते हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फितनि मा ज़हरा मिन्ना व मा बतना, वो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो जो भी खसारा उस पर आप पढ़ लें, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर उसके बाद देखते हैं कि सूरतुस्सफ़ की 10 और 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अज़ाब अलीम से निजात मिलेगी। ए लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, तुमिनूना बिल्लाही व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाही बी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ए लोगो, जो ईमान लाए हो, क्या मैं तुम्हारी ऐसी तिजारत की तरफ रहनुमाई करूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले? तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। तो जान और माल से जिहाद करना है। उसके बाद हम देखते हैं गुनाहों की माफी का जरिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तगाबुन 17 में, अगर तुम अल्लाह को कर्ज दोगे अच्छा कर्ज, तो वो उसे तुम्हारे लिए कई गुनाह कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़ा कदरदान बेहद बुटबार है। देखिए आयतों में कितना है ना कर्ज अल्लाह की राह में खर्च करने का, इन्फाक फी सबीलिल्लाह बड़े अजर का बाइस है। सूरह हदीद 7 में फरमाया, फल्लजीना आमनू मिनकुम वानफकू लहुम अजरुन कबीर, फिर वो लोग जो तुम में से ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, कबीर अजर है, बड़ा अजर है खर्च करने पर। गुनाहों की, हाँ अब ये तो हमने कर लिया, गुनाहों की माफी का जरिया, फिर जन्नत में दाखिले का जरिया। वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिका व जन्नतिन अर्धुहा समावातु वल अर्धु उइद्दत लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युन्फिकूना फिस्सराई वद्दराई वल्काज़िमीन अल्ग़ैज़ा वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसअत जमीन और आसमानों जैसी है, और वो उन खुदा तरस लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद है। उसके बाद है कि कौन है वो लोग, दुख तकलीफ गमी और खुशी दोनों में खर्च करने वाले हैं, लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। अभी जो आयत पढ़ी ना सूरह आले इमरान की, और गुस्से को पी जाने वाले। उसके बाद कर देखते हैं हम, अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह के राह में ना खर्च करने वालों की मजम्मत। सुनो सूरह मोहम्मद आयत 38 में फरमाया, सुनो तुम वो लोग हो कि तुम बुलाए जाते हो ताकि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम में से कुछ वो हैं जो बुखल करते हैं, और जो बुखल करता है तो वो दरहकीकत अपने आप ही से बुखल करता है, और अल्लाह ही बेपरवाह है और तुम ही मोहताज हो। और क्या फरमाया, वल्लाहु गनी व अंतुमुल फुकराउ, और अल्लाह ही बेपरवाह है और तुम ही मोहताज हो, और अगर तुम फिर जाओ तो वो तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा और लोगों को ले आएगा, फिर वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। तो हम नहीं करेंगे अगर इंफाक फी सबीलिल्लाह दीन का काम, और हम क्लासेस में नहीं आएंगे तो अल्लाह ताला, मैं ना पढ़ाऊं, पढ़ाने वाले भी छोड़ दें तो अल्लाह ताला तो अपना काम लेकर रहेगा, अल्लाह ताला किसी और को ले आएगा, अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट अभी कुल खैरात, हर चीज में हमें आगे बढ़ना है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह में दीन का इल्म हासिल करने में। अभी आपने पढ़ा ना कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह में महारत, जाह, माल, मनसब और आपके इल्म भी आता है, वक्त भी आता है, हर चीज लगाना है उसमें ना। फर्स्ट अभी कुल खैरात, आगे बढ़ने वाले हो वो तो हम एक दूसरे की मोहब्बत में एक दूसरे को लास्ट मैसेजेस करें, बस ग्रुप पे आ गया, अब मुझे चले जाना। फर्स्ट है बिल्कुल खैरात, मुझे नेकियों में आगे बढ़ने वाला बनना, क्योंकि आज आपने पढ़ा कि हर चीज जो है ना इन्फाक में आती है, और एक दाना उसमें से 100 बाली निकले, 100 बाली में जो है एक एक बाली में एक 100 दाना, तो 7 बाली में 700 दाने हो गए, इतना हमें सवाब मिलेगा।
तो 5 मिनट पहले हम आ जाएं तो उसका भी वो भी हमारा जिक्र की महफिल में लिखा जाएगा, और आसमानों में अल्लाह ताला हमारा जिक्र कर रहे होंगे। तो वो तो हम मोहब्बत में कर रहे होते एक दूसरे के, कि भाई मैं सुन रही हूँ तो मेरी बहन भी आ जाए, तो अगर हम ये करें तो उसका भी सवाब है, क्योंकि वो भी उसमें आ जाएगा ना, कि 5 मिनट पहले हम आ जाएं बगैर लास्ट मैसेजेस के, तो उसका भी बहुत अजर है। वो भी जिक्र की महफिल में लिखा है। हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें वो हमारे फायदे के लिए है। कुरान मजीद के अलावा अहादीस में भी खर्च करने की फजीलत है। अहादीस में खर्च करने की फजीलत, एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा लोगों में से अफजल कौन है, तो आप सब ने फरमाया कि लोगों में सबसे अफजल या बेहतर वो आदमी है जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जान के साथ जिहाद करता है। फिर उस मोमिन का दर्जा है जो घाटियों में से किसी घाटी में अपने रब की इबादत करता है, लोगों को अपने शर से दूर रखता है। अब वो किसी घाटी में ना उसको लोग देख रहे हैं, सिर्फ उसको अल्लाह का डर है, वो वहां अजान देता है, वो वहां नमाज पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है। कौन देख रहा है उस घाटी में? उसको कोई नहीं देख रहा है, अपने रब की इबादत वो याद करता है और लोगों को अपने शर से दूर रखता है। अल्लाह ताला का खर्च करने वालों पर खर्च करना। फिर एक और हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुझसे फरमाया खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का दाया हाथ भरा हुआ है और रात और दिन की फयाजी से उसमें कोई कमी वाकई नहीं होती। क्या तुम नहीं देखते कि उसने आसमान और जमीन को पैदा करने से कितनी फयाजी की है? क्या उसके दाएं हाथ में कोई कमी वाकई है? उसके दाएं हाथ में कोई कमी वाकई नहीं हुई, लेकिन उसके दाएं हाथ में कोई कमी वाकई नहीं हुई। उसे सही मुस्लिम ने रिवायत किया। हदीस में खर्च करने की फजीलत हमने पढ़ी। उसके बाद खर्च करने वालों के लिए फरिश्ते हैं दुआएं करते हैं। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से मरफूअन मरवी है कि हर दिन जिसमें बंदे सुबह करते हैं दो फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक कहता है अल्लाह खर्च करने वालों का उसको खर्च करने वाले को उसका मुतबादिल अता फरमा, यानी खर्च करने वाले को बेहतरीन बदला अता फरमा, और दूसरा कहता है अल्लाह रोकने वाले के माल को तबाह कर दे, रोकने वाले के माल को जाया कर दे। तो रोकना नहीं चाहिए, खर्च करना चाहिए। खर्च करने में खैर और खर्च ना करने में शर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने आदम, बेशक जरूरत से जायद माल खर्च देना तुम्हारे लिए बेहतर है। जरूरत से जायद कपड़े हैं, वार्डरोब खोल के अगर हम खड़े होते हैं कि क्या पहनूं क्या ना, को फर्स्ट लेसन फॉर मी, इंशाल्लाह मैं भी देखूंगी, आप भी वार्डरोब देखें, जरूरत से जायद है उसको खर्च कर दे, दे दें किसी को। अगर तुम उसको रोक लोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। बर्तन जो है जो सालों, मुझे लगता है कि हम इस्तेमाल भी नहीं करें, कपड़े जो हम पहने ही हैं आउटडेटेड हो गए हैं, वो अब फैशन नहीं रहा, तो उसको दे दें किसी जरूरतमंद को। और अगर उसको तुमने रोक ले लोगे तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। और गुजर बसर जितना माल रखने पर तुम्हें कोई मलामत नहीं, गुजर बसर जिसमें हो सकती उतना रख ले, और देने की इब्तिदा अपने अहलो याल से करो, पहले रिश्तेदारों को देंगे घर वालों को देंगे, और ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अल्लाह हमारे हाथ को ऊपर वाला हाथ जो होता है देने वाला होता है, ऐसे करें ऊपर और नीचे से लेने वाला जो जाएगा, लेने वाला अपने हाथ से लेगा। जरा मैंने भी अपने हाथ को करके देखा, जरा करके देखें तो देने वाले का हाथ ऊपर वाला हाथ नीचे वाले से नीचे, तो देने वाले का हाथ ऊपर वाला है और मांगने वाले का लेने वाले का हाथ नीचे वाला है। तो देने वाला हाथ ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो मैं और आप इंशाल्लाह देने वाले बने, क्योंकि खर्च करने में खैर और खर्च ना करने में शर। फिर हमने देखा कि एक और देखते हैं कि हाँ फरिश्तों का हो गया खर्च। हाँ उसके बाद हम देखते हैं कि जितना ज्यादा माल उतना ज्यादा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना बेहतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दुनिया में ज्यादा मालदार हैं कयामत के दिन वही खसारे में होंगे, और सिवाय उसके जिसे अल्लाह ने माल दिया हो और वो उसे अपने दाएं अपने बाएं अपने आगे और अपने पीछे खर्च करे और उसे भले कामों में लगाए। तो दाएं बाएं आगे पीछे खर्च करना है और अच्छे कामों में, नेकी के कामों में लगाना है। खर्च करते हुए मुफलिसी से नहीं डरना चाहिए कि मैं खर्च कर लूंगी तो गरीब हो जाऊंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल खर्च क्या करो अर्श वाले की जानिब से मुफलिसी से ना डरा करो, वो तो अर्श अजीम का मालिक है, वो तुम्हें देने से गरीब नहीं कर देगा, बल्कि वो तो और ज्यादा अता फरमाएगा। ये रिवायत जो है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा से मिली। माल खर्च करने के फवाइद, क्या होता है माल खर्च करने से? मजीद नेमतें मिलती है, नेमतों में इजाफा होता है, बहुत से शर शर टल जाते हैं, जो शर हम पे आने वाले होते हैं वो टल जाते हैं,
मांगने वाले को डांट डपट करते हैं, नहीं करनी चाहिए। बाद लोग होते हैं मांगने वालों को डांट डपट करते हैं, एहसान जताते हैं या नसीहतें करने लगते हैं कि भाई तुम कुछ जॉब ढूंढ लो, तुम कुछ कर लो, लेकिन माल या नसीहतें करने लगते हैं लेकिन माल खर्च करने से बहुत से शर टल जाते हैं। इंसान जब तक देता रहता है, इंसान के पास नेमतें बाकी रहती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के पास लोगों के लिए नेमतें हैं, वो उन्हें उनके पास उस वक्त तक बाकी वो साबित रखता है जब तक वो मुसलमानों की हाजात पूरी करने में लगे रहते हैं और उनसे तंग नहीं होते, और जब वो उनसे तंग हो जाते हैं तो उन्हें दूसरे लोगों की तरफ मुंतकिल कर देता है। देखिए बड़ी कितनी जबरदस्त हदीस है, आपको अगर समझे तो, कि अल्लाह ताला कुछ लोगों को नेमते देता है और अगर उसको देते रहे वो लोग तो वो उस वक्त तक उसके पास बाकी रहती है और साबित रहती है, जो मुसलमानों की हाजत को पूरा करते रहे, हर वक्त देता रहे और उसे तंग भी ना हो कि तो मेरे पास मांगने चले आते हैं। और जब वो उनसे तंग होने लगते हैं कि तो मांगने चले आते हैं, इनका तो काम ही है, हर वक्त आ जाते हैं, तो अल्लाह ताला वो नेमते, वो दौलत, वो पैसा, जो भी हो, किसी भी फॉर्म में वो नेमत हो, इल्म हो, आपके पास कोई महारत हो, कोई स्किल्स हो, कोई काम करना आप जानते हो, कुछ भी अभी आपने पढ़ा ना, जाह हो, मनसब हो, वक्त हो, इल्म हो, जो भी हो, तो वो फिर दूसरों की तरफ मुंतकिल कर देता है। अगर बहुत सारा वक्त भी है तो किसी गरीब मिस्कीन यतीम किसी के काम आ जाए, कोई भी अच्छा काम, नेक काम कर सकते हैं, मस्जिद में कर लें, सफाई करने चले जाएं, मस्जिद में वैक्यूम लगा के आ जाएं, अगर वक्त है तो, बहुत ही वक्त है। तो क्या हुआ था, एक औरत इंतकाल कर गई, ठीक है, तो वो मस्जिद की सफाई किया करती थी, तो आप सत्संग में देखा वो नजर नहीं आ रही, तो सहाबा कराम अजमैन से पूछा कि वो औरत नजर नहीं आ रही, तो सहाबा कराम ने फरमाया हाँ वो रात में इंतकाल फरमा गई, हमने उसे जो है तदफीन कर दी। तो आप सस ने फरमाया मुझे बता तो दिया होता कि वो ज्यादा हकदार थी आप ससम की दुआ का। आप ससम जाते हैं उसकी कब्र पर और फिर आप ससम उसके लिए दुआ करते हैं क्योंकि वो सफाई क्या करती थी। तो आप देखें कि किसी काम को हकीर ना जाने। हमारे अभी संडे के दर्स में, इंग्लिश के दर्स में भी यही था कि किसी काम को, किसी प्रोफेशन को हकीर ना जाने। तो अब बते, सफाई करने वाली औरत जो है वो जन्नत में चली गई। तो हर तरह के काम में किसी काम को डिग्रेड नहीं करना चाहिए, वो नीचा नहीं समझना चाहिए क्योंकि हरकत में बरकत है। फिर क्या होता है कि हमारा इन्फाक फी सबीलिल्लाह से खर्च करने से शर टल जाता है, बीमारियों से हिफाजत मिलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मरीजों का इलाज सदके के जरिए करो। इब्ने शकीक कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक को उस वक्त कहते हुए सुना जब उनके पास एक आदमी आया और उसने उनसे अपने घुटने में निकलने वाले एक जख्म के बारे में पूछा। उस जख्म को 7 साल हो चुके थे, उसने उसके लिए मुख्तलिफ मुआलजे भी करवाए और तबीबों से, डॉक्टरों से भी पूछा, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि जाओ ऐसी जगह जाकर कुआं खुदवाओ जहां पानी की जरूरत हो, मुझे उम्मीद है कि जब वहां से चश्मा फूटेगा तो तुम्हारा ये खून रिसना बंद हो जाएगा। जब उस शख्स ने ऐसा किया तो वो सेहत याब हो गया। आपको पता है खून रिसने की बीमारी बड़ी मुश्किल से जाती है। तो कोई भी नेकी का काम, देखे ये भी जो है इन्फाक फी सबीली लेना, चश्मा खुदवाना, उस पर भी पैसा खर्च करना कि क्या हुआ, उसकी बीमारी चली गई, खून रिसना बंद हो गया। तो जब तक इंसान देता रहता है, इंसान के पास नेमते बाकी रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के पास लोगों के लिए नेमते हैं, वो उन्हें उनके लिए उस पास उस वक्त तक बाकी वो साबित रखता है जब तक वो मुसलमानों की हाजत पूरा करने में लगे रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मुश्किलात से निजात मिल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ोजल ने यहया बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम को 5 बातों के मुतालिक हुक्म दिया था और उन पर खुद भी अमल करें और बनी इसराइल को भी उन पर अमल करने का हुक्म दें। उनमें से एक ये है कि मैं तुम्हें सदका करने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि उसकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसे दुश्मन ने कैद करके उसके हाथ गर्दन से बांध दिए हो, फिर उसे कत्ल करने के लिए ले चले और वो उनसे कहे कि क्या तुम मेरी जान का फिदिया वसूल करने के लिए तैयार हो, फिर वो थोड़े और ज्यादा के जरिए जिस तरह भी बन पड़े अपनी जान का फिदिया पेश करने लगे, यहाँ तक कि अपने आप को छुड़ा ले। कयामत के दिन के लिए बाईसे जखीरा होना, कयामत के दिन 700 गुना अजर मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह की राह में कोई चीज खर्च की उसके लिए उसका 700 गुना लिखा जाता है। इसे तिर्मिजी ने रिवायत किया। अबू मसूद रदे अल्लाह अन्हों से मरवी है कि एक आदमी ने अल्लाह के रास्ते में एक ऊँटनी सदका की जिसकी नाक में नकील पर भी पड़ी हुई थी, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन ये 700 उटनियां लेकर आएगा
जिनके नाक में नकील पड़ी होगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। गुनाहों की माफी मिलती है, गुनाह धुल जाते हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, वो काब बिन अजरा से फरमा रहे थे, ए काब बिन अजरा, सदा सदका गुनाहों को इस तरह मिटाता है जैसे पानी आग को मिटाता है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, जब अपने दरवाजे पर किसी साहिल को देखते तो उनका सीना खुल जाता, यानी वो खुश हो जाते और वो कहते इस आदमी को मरहबा जो मेरे गुनाह धोने आया है। अल्लाह ताला हमें ऐसे बना दे कि अगर कोई आपसे मांगे, आजकल तो दरवाजे पे नहीं आता कोई, पहले जमाने में आते थे, आपको मैसेज आ जाए तो वो भी खिड़की खुल गई ना, एक विंडो खुल गई कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, फौरन दे दे, फौरन पहुंचा दे, ठीक है। फौरन पहुंचा दे। और वो क्या कहते थे उस आदमी को, मरहबा, वो वेलकम है। मरहबा किसको कहते, वेलकम, मेरे गुनाह धोने आया है। क्योंकि इससे आपने पढ़ा ना अभी हदीस के गुनाह धुल जाते हैं, तो अभी हदीस आपके सामने ही है। तो उन्होंने क्या कहा सुफियान सौरी ने, कि जब अपने दरवाजे पर किसी साहिल को देखते तो उनका सीना खुल हो जाता, सीना खुलने का मैं आप मतलब क्या था, खुश हो जाते और कहते इस आदमी को मरबा, वो मेरे गुनाह धोने, यानी उस आदमी ने मुझे मौका मुहैया किया। तो कोई भी कोई काम कहे, कहे अरे मैं आपको कह रही हूँ, कहना नहीं भाई ये तो मेरे लिए आपने मुझे नेकी का मौका दिया, मैं खुद नहीं दे रही हूँ तो मैं लोगों से मांग लें, किसी को फोन कर दें कि भाई, कहीं कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आप मांगे तो वो कोई डिब्बे में डालता नहीं, कोई देता नहीं, कोई कुछ कहता नहीं, तैयार ही नहीं होता, आमादा नहीं होता। तो चाहे $1 दे दें, $5 दे दें, $10 दे दें, कहें कि ये तो मेरे गुनाह गुनाह धोने आ गया, ये मैसेज चल के या दरवाजे पे कोई आ गया, तो अब खर्च कहाँ किया जाए। इंसान जरूरतमंद इंसानों पर खर्च करे, और खर्च करने की तरतीब कुछ यूं है। जाबिर रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई मोहताज हो तो उसे अपनी जात से शुरू करना चाहिए, फिर जो अपने से बच रहे तो उसे अपने बाल बच्चों, पहले अपनी जात पे खर्च करें फिर अपने बाल बच्चों पर, क्योंकि आप कमाने जा रहे हैं, कोई भी मर्द है, औरत है, यहाँ बीवी है, बच्चे हैं, जो भी, और फिर ये अपने आप पे खर्च, नहीं जूता अच्छा नहीं है, पहन के गए तो बर्फ नहीं था, वो बर्फ में स्लिप हो गए, हमारे यहाँ तो स्नो होती है, बारिश में स्लिप हो गए, तो मौसम की मुनासिबत से सर्दी में ठिठर के बीमार हो गए, नहीं, आप निकल रहे हैं तो अपनी जात के लिए, शायद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे मस्जिद जा रहे हैं, चाहे मिलने जा रहे हैं, तो आपकी जात के लिए भी चीजें होनी चाहिए, ऐसे कोट, बर्फ बर्फ वाले जब पहनने के, मौसम मौसम के लिहाज से कोट होना चाहिए, मौसम के लिहाज से स्वेटर होना चाहिए, गर्मी है तो गर्मी वाले कॉटन के कपड़े होना चाहिए, उस लिहाज से जूते होना चाहिए स्नो के, रेन के ना, तो पहले अपनी पानी की बॉटल होनी चाहिए, डिहाइड्रेट हो जाएंगे उस पर भी $1 खर्च होना चाहिए आपका, तो पहले अपनी जात से शुरू करना चाहिए, फिर अपने से बच रहे तो उसे अपने बाल बच्चों पर सर्व करें, फिर अगर उनसे बच रहे तो अपने खराबतदारों पर, यानी कि मैं बहन खराबतदारों को दे रही हूँ, मेरे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, या अल्लाह ताला ने कैटेगरीज बता दी ना, है ना, ज़वील क़ुरबा वल यताम वल मसाकीन वबनी सबील वसाइलीन वफिर रक़ाब, इसी तरह दुआ भी पहले अपने लिए मांगेगी फिर दूसरों के लिए, तो फिर अपने से बच रहे तो उसे अपने बाल बच्चों पर सर्च करें, फिर अगर उनसे बच रहे तो फिर अपने कराबत रिश्तेदारों पर खर्च करें, फिर फरमाया अपने जी रहम रिश्तेदारों पर खर्च करें। जी रहम कौन होते, आपके भाई बहन, वही कराबदारी में जाते हैं, अगर उनसे भी बच रहे तो यहाँ वहाँ खर्च करें, फिर आप बाहर इधर उधर खर्च करेंगे, मिलने जुलने वाले हैं, कोई मस्जिद के साथी है, कोई क्लास के साथी है, वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी जरूरतमंद हो, मतलब जरूरतमंद पे, ठीक है, बाद दफा आपके साथी होते हैं वो भी जरूरतमंद होते हैं, वो आयत भी है ना जिसका इंटरप्रेशन होगा, मीनिंग के ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने गाल के नीचे हाथ रख के भूखा सो जाएंगे लेकिन सवाल नहीं करेंगे, तो वो भी लोग हमें ढूंढने होते हैं, अपने अंदर ही ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि वो आपसे पूछते हैं, ये आयत है ना कि आप से पूछते हैं कि क्या चीज खर्च वो आपसे पूछते हैं क्या चीज खर्च करें, यस अलूना का माजा यून, वो सवाल करते हैं आपसे कि क्या कुछ वो खर्च करें, कुल मा अनफक तुम मिन खैरिन, कह दीजिए जो खर्च तुम करो माल में से, यहाँ खैरिन बेहतर के लिए नहीं आया, आप देखें कुरान के स्टूडेंट है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो खैरिन यहाँ माल के लिए आया, ठीक है, तो आज से आपको याद रहेगा खैर बेहतरीन के लिए भी आता है और माल के लिए आता है, फिर किस में खर्च करो, फलिल वालिदैनी, तो वालदेन के लिए है, वबनी सबील और मुसाफिर के लिए, वल अक्रबीना, नहीं देखे देखे यूं होगा, खैर मैं आपको सही सीक्वेंस में पढ़ती हूँ,
फलिल वालिदैन है तो वालदेन के लिए अभी आया था ना कि अपनी जात पर, फिर पहले तो सबसे पहले वालदेन आते, वल अखरबीना और खराबतदारों पर, रिश्तेदारों पर, फिर वल यतामा यतीम आते हैं, यतीमों पर, फिर वल मसाकिनी और मिसकिनों पर, वबनी सबील और मुसाफिर के लिए। तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले रही है तो आयत देख के इस तरह पढ़िएगा, ठीक है। वमा तफअलू मिन खैरिन, और जो भी तुम करोगे नेकी में से, फइन्नल्लाह भी अलीम, तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानने वाला है, ठीक है। तो ये हमने तर्जुमा कर दिया, नीचे भी है, वर्ड टू वर्ड भी कर दिया, ठीक है। अबू कलाबा ने कहा कि आयात से कुछ शुरू किया, फिर अबू कलाबा ने कहा इससे बढ़कर किस आदमी का अजर क्या होगा जो अपने छोटे बच्चों पर उनकी इज्जत और आबरू बचाने के लिए खर्च करता है, या अल्लाह उनको उसके सबब से नफा देता है और उनको बेपरवाह कर देता है। अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह से उसके दिए हुए माल के बदले अपने नफ्सों को खरीद लो। अगर तुम में से कोई बुखल करे कि अपना माल लोगों को ना दे, तो वो अपने आप से शुरू करे और जो और खुद पर सदका करे, अल्लाह अज़्ज़ल के दिए हुए रिस्क में से खाए और पिए, अपनी जात और अहलो अयाल पर खर्च करना भी फी सबीलिल्लाह होता है। काब बिन अज़रा रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स गुजरा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ने उसे कवी और चुस्त पाया, सो उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये शख्स अल्लाह के रास्ते में होता यानी जिहाद करता तो बेहतर होता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर ये शख्स अपने छोटे बच्चों के लिए भाग दौड़ के करने निकला है तो ये अल्लाह के रास्ते में है, तो अल्लाह के रास्ते में ही है, और अगर ये अपने बूढ़े बुजुर्ग वालदेन के लिए भाग दौड़ करने निकला है तो ये अल्लाह के रास्ते ही में है, और अगर ये अपने नफ्स के लिए भाग दौड़ करने निकला है कि उसे सवाल से बचाए, भीख ना मांगे, तो ये अल्लाह ही के रास्ते में है, और अगर ये दिखावे और बाहम फखर के भाग की और अगर ये दिखावे और बाहम फखर की खातिर भाग दौड़ करने निकला है तो ये शैतान के रास्ते में है। अहलो अयाल पर खर्च करना अफजल खर्च करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल दीनार जो आदमी खर्च करता वो है जो अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, और वो दीनार जिसको अल्लाह के रास्ते में अपने जानवर पर खर्च करता है वो, और वो दीनार जो अपने साथियों पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। उसके बाद बेटियों और बहनों पर खर्च करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स अपनी दो बेटियों या दो बहनों या करीबी रिश्तेदार औरतों पर सवाब की नीयत से उस वक्त तक खर्च करता रहे यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ल उन दोनों को अपने फजल से मालदार कर दे या वो उनकी किफायत करता रहे, तो वो दोनों उसके लिए जहन्नम की आग से रुकावट बन जाएंगी। हमने तो अपने बचपन में, आप लोगों ने भी देखा था, देखा होगा कि बड़ी बड़ी बहनें होती थी हमारे, जो है वालिद चचा और मामू घर में होती थी, मतलब उनका नानुफा भी उठा लेते थे, शादियां नहीं होती थी या कुछ बेवा हो जाती थी, हमारे घरों में आ जाती थी, कुछ तलाक याफ्ता आ जाती थी, आपने देखा होगा ना, बड़ी बुढ़िया ऐसी बैठी होती थी। तो ये सब कितना अमल था, कुरान और हदीस पे अमल था कि उनको ये जिम्मेदारी पता थी, मामुओं को, चचाओं को, भाइयों को, बापों को, कि ये हमारा, उनका नान नफका अब हमारे जिम्मे, जितने भी महरम होते थे कभी नहीं मुंह बनाया जाता था कि ये क्यों आके बैठ गए हमारे घर, ना ऐसा कभी नहीं होता। आप देखें, दो बेटियों दो बहनों का और लड़कियों दो लड़कियों का कितना आजर है कि इन दो बच्चों को अपने फजल से गनी जब तक करता रहे, जब तक कि वो गनी करते हैं उनको, या उनकी जब तक उनकी किफालत करता रहे तो ये उनको किफायत करता है, वो उसके लिए आग से पर्दा होंगी, आग से बच जाएगा वो शख्स। रिश्तेदारों पर खर्च करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिलाए रहमी के लिए जितना अतिया देता है अल्लाह उसके माल में इतना ही इजाफा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सबसे अफजल सदका वो है जो अपने उस रिश्तेदार पर किया जाए जो पोशीदा दुश्मनी रखने की बिना पर तुमसे एराज करे। हमसे दूर भाग रहे होते हैं, दिल में दुश्मनी होती है और हमसे एराज बरत रहे होते हैं, पास नहीं आ रहे होते, तो सबसे अफजल सदका है कि उस पर आप खर्च करें। हम कहते हैं नहीं, वो मुंह बना रहा है, वो मुझसे बात नहीं करता, मेरा दुश्मन वो रिश्तेदार तो पूछता नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं कराता, मुझे फोन नहीं करता, दूर दूर पार से पता भी चलता है कि वो जरूरतमंद है, तब भी हम नहीं करते। नहीं भाई, मैं तो कभी नहीं, मेरी तो ये इंसल्ट है। नहीं, क्या है रसूल अल्लाह क्या फरमाते हैं, वो तो अफजल सदका है।
तो यतीम और मसाकिन और मुसाफिर पर खर्च करना है, खाना खिलाना है उस पर खर्च करना है, पानी पिलाने पर खर्च करना है, पौधे लगाना है, लोग उसके शेड में बैठेंगे या उसका फल खाएंगे तो उस पर खर्च करना है, किसी की ज़रूरत को पूरी करना है, कोई बहुत कर्जदार है, बहुत ज़्यादा कर्ज उस पर है तो कर्ज अदा कर दें, उसको बोझल था उसको हल्का कर दें, हज उम्रे पे खर्च कर दें, किसी को हज पे भेज दें, हजे बदल करवा दें, ठीक है ना। हजे बदल भी जैसे हमारे कुछ लोग इंतकाल कर गए होते हैं तो उनका हजे बदल हम करवा दें, बाद दफ़ा वालदेन ने नहीं किया होता है। फिर हम देखते हैं कि रसूल अल्लाह सब ने फरमाया जिस शख्स ने परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद में के घोंसले के बराबर उससे भी छोटी मस्जिद अल्लाह के लिए बनवाई तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। अब यहाँ जो मस्जिद जो है कबूतर के घोंसले के जितनी बनाने से क्या मतलब है, उतनी घोंसले से जितनी मस्जिद में तो कोई नमाज नहीं पढ़ से, मतलब ये है वो स्क्रीन पे दिखा दें ये हदीस 738 सुनन इब्ने माजा, तो मतलब ये है कि कहीं मस्जिद बन रही, ठीक है, तो उसमें आप पैसा डाल दें थोड़ा सा, यानी कबूतर के जितनी मस्जिद हो गई ना घोंसले, कबूतर के परिंदे के घोंसले के बराबर जितना भी आप डाल सकते हैं। आजकल न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी मस्जिद बन रही है, बहुत आपको उसके मैसेजेस आते होंगे तो उसमें भी डाल सकते हैं मस्जिदों में। तो कुछ ऐसे ऐसी मद है में खर्च करना है होता है जिसके जो है सवाब जो है जब तक दुनिया रहेगी, जब तक हमारे मरने के बाद भी मिलता रहेगा, तो कितनी अच्छी चीज है ना कि हमारे दर्जात मरने के बाद भी बुलंद होते रहे। जैसे कोई मस्जिद हम रहती, अब आप देखें आप निकलते यहाँ पर यूएसए में ही हम घूमने निकलते हैं, कहीं भी निकल जाए तो आप अगर नमाज के लिए डालते हैं अपने उस पे ऐप में तो आपको कोई मस्जिद मिल जाती है कि आप रास्ते में ये पढ़ रहे, आप पढ़ रहे होते उस पे लिखा होता है ये इतने उतने पुराने जमाने की है, तुर्कों के जमाने की है, फला के जमाने की फला, तो अब जिन्होंने भी बनाई वो तो इस दुनिया में नहीं है। अब आप देखें मगर उनको अजर मिल रहा है, जब तक वो चीज कायम रहेगी, कुआं है, पानी का कूलर रखवा दे, जो भी है मस्जिद में थोड़ा सा जितना भी आपकी हैसियत डाल दें तो उसका अजर मिलता रहेगा जब तक आप जो है दुनिया में वो चीज कायम है। मस्जिद में मुसाफ रखना, रसूल अल्लाह सबसे फरमाया सात चीजों का सवाब बंदों की मौत के बाद भी जारी रहता है, जब वो कब्र में होता है, जिसने इल्म सिखाया, कोई इल्म है तो सिखा दें, दीनी मस्जिद से कायम करें, हल्के रख दें, जूम पे रख दें, घरों पर जहाँ भी मुमकिन हो मस्जिद में चली जाए, जो बुलाए कोई दिन 3 दर्स कह दे कर लो, दिन में कोई कह दे 4 दर्स कर दो, कोई कह दे दुआ करा दो तो आप कर लें, इल्म खूब खूब इल्म सिखाएं, नहरें बनवा दें, कुआं खुदवा दें, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि वो क्या फरमा रहे थे कि कुआं खुदवा दो, बीमार उनके पास आए तो उनको खून रिसना जो बीमारी खत्म हो गई, दरख्त लगवाना, मस्जिद बनवाना, किसी को कुरान के मुसबका वारिस बना देना, कुरान दे दे किसी के हाथ में, दुआओं की किताबें दे दें, वैया का नस्तीन खरीद के बांट दें, कोई भी इस्लामिक और मसून दुआएं तो वो पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, तो कुरान एक एक हर्फ पे आपको जो है 10-10 नेकियों का सवाब मिलेगा, कुरानी दुआएं पढ़ेगा, या जो भी या औलाद छोड़ी हो जो उसके मरने के बाद उसके लिए इस्तग़फ़ार करती है, औलाद को भी सिखाएं दीन ताकि वो आपके लिए इस्तग़फ़ार करे, अच्छे अमल करे। एक आदमी कहेगा या अल्लाह मैं मेरे तो इतने, सबको पता होता है ना अमाल क्या है, मेरे तो ऐसे अमाल नहीं थे, मेरे दर्जात इतने बुलंद किए, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए इस्तिगफार कर रही थी, या रबी रहमा कमा रब्बयानी सगीरा, वो भी सिखा दे बच्चों को कि वो पढ़े, कुरान का इल्म ही दे देंगी तो वो खुद पढ़ेंगे। फिर तालबे इल्म पर खर्च करना, जो है तनकी फतावा हामिदिया में इब्ने आबिद बिन इब्ने आबिदेन जिक्र करते हैं कि जब तालबे इल्म इनके हुसूल के लिए निकले तो मुसलमानों पर लाजिम है कि वो उसे खर्चा दें, यहाँ तक कि अगर वो खर्चा देने से इनकार करे तो उनको इस तरह मजबूर किया जाए जैसे कि जकात का कर्ज अदा करने को वालों को वो कर्ज अदा करने पर मजबूर किया जाता है जब वो जकात अदा करने से इनकार करते हैं। मुसलमानों को तालबे इल्मों को हर साल 100 दिनार की मिकदार के बराबर खर्चा देना चाहिए, ये इमाम मालिक का फतवा है। इमाम मालिक की कौन सी किताब मशहूर है? मौत्ता इमाम मालिक, ठीक है ना। अच्छा उसमें हम अभी हम देखते हैं कि इब्ने आबिदीन कहते हैं कि बैतुल माल के मसारिफ में से एक मसरफ उलमा का और तालबे इल्म का खर्च देना है, वो उलमा और तालबे इल्म जो इल्म शरई के लिए वक्फ हो चुके हैं। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि नबी ससम के जमाने में दो भाई थे जिनमें से एक तो नबी ससम की खिदमत में आया करता था और दूसरा भाई कमाता था, चुनाचे कमाने वाले भाई ने अपने दूसरे भाई के बारे में नबी ससम से शिकायत की कि ये तो कुछ कमाता नहीं आपकी महफिल में आके बैठ जाता है, तो आप ससन ने फरमाया कि शायद कि तुम इसकी वजह से ही रिस्क दिए जाते हो, हमें नहीं पता किसकी वजह से हमें रिस्क मिलता है।
किसको हम देंगे, सदका खैरात करेंगे या किसी की जरूरत पड़ेंगे अगर, तो उसकी वजह से हमें रिस्क मिल जाए। सल्फ सालीन इन बालों पर खुशी से खर्च करते थे। लैस बिन साद हर साल इमाम मालिक बिन अनस को 100 दीनार भेजते थे। इब्ने लहिया जो कि हदीस के आइम्मा में से एक इमाम थे, जब उनकी किताबें जल गईं तो लैस ने उनकी तरफ 1000 दीनार भेजे थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि माल कहाँ कहाँ खर्च करें, दीन की खिदमत के अंदर खर्च करें, दीन को फैलाने में खर्च कर ले, किताबें बांटें, दीन को फैलाएं, जो जिनको हम मौलवी मौलवी साहब और इमाम साहब रखते हैं उनको जो है अच्छी आप तनख्वाह दें, आवाम की सहूलत के कर काम करें, मुसाफिर खाने खोल दें, पुल और सड़कें बनवा दें, अस्पताल बनवा दें, बेवाओं के लिए घर बना दें, मदरसे कायम कर दें, कब्रस्तान बना दें, और फिर जो है कब्रस्तान के लिए जमीन वक्फ कर दें, मकसला जिसमें डेड बॉडीज को जो गुसल दिया जाए वो बनवा दें, जिन जगहों पर मुसलमानों के लिए कब्रस्तान ना हो मिलजुल कर पैसे इकट्ठा करके जमीन का बंदोबस्त कर दें। पैसे तो कितनी जगहों पे, अमीरी बहनों आपने भी देखा होगा कि बाहर लोग डर रहे होते हैं बोलने के लिए कि पैसा दो, क्योंकि वो नहीं दे रहे होते। तो आपने भी देखा होगा प्यारी बहनों, तो जब भी कोई कहे तो आप जरूर पैसे इकट्ठा कर दें, अच्छे कामों के लिए नेक काम, पानी का इंतजाम कर दें, कूलर रखवा दें, कुआं खुदवा दें, यतीम खाने बनवा दें, वहां पे सिक्योरिटी सेफ्टी हो। एक ऐसा यतीम खाना, मेरे यहाँ एक लड़की काम करती थी ना, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए पाकिस्तान गई थी, तो वो मुझे एक दफा कुछ हमें देना था देख वेख, तो वो इतनी अच्छा यतीम खाना किसी ने बनवाया था, मैं उसको भूलती नहीं हूँ। मैंने कहा खाना देना, कहती बाजी मैं आपको ले चलती हूँ। उफ अल्लाह, वहां से पढ़ी लिखी, वो खुद भी वहां की पढ़ी हुई थी, यानी लिख भी लेती थी, मैं मैसेजेस भी छोड़ जाऊं तो मैं इतनी खुश होती, यानी कितने मेरे फायदे की थी कि मैं, वो देर से आए तो मैं बच्चों को कहती थी ये पर्चा दे देना, वो काम कर लेगी, क्योंकि मुझे तो अपनी क्लासेस अटेंड करने जानी होती थी, तो वो सारे काम करके रहती। यानी देखिए इल्म का कितना फायदा, यतीम खानों में भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करे, इल्म की तालीम दे, ऐसी नौकरी भी नौकर भी हमारे घर होंगे तो आफाक भी उससे बहुत कुछ, मैं कहती थी आफाक को सबक याद करा देना। ये मतलब बता रही हूँ कि अगर यतीम खानों में इल्म भी दिया जाए, दीन का इल्म, दुनिया का इल्म, उसको सब आता था, मैट्रिक पास करवा दिया था यतीम खाने में, और वहां खतरा भी नहीं था, मर्द भी नहीं थे, जैसे कि यतीम खानों में भेजने के लिए खतरा होता है कि इज्जत पे हमला हो जाएगा वगैरह वगैरह। दरख्त लगा दें, लंगर खुलवा दें, सबकी एक एक तफसील हो जाए, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। रास्ते की सहूलतें फराहम कर दें, कुआं खुदवा दें, सड़क बनवा दें, सवारी का इंतजाम कर दें, बीमार जानवरों का इलाज, जानवरों पर भी खर्च कर दें, बीमारों पे देकर मेरी बहनों अपना ही फायदा होता है, शराय सदर होता है, दिल खुल जाता है। जैसे अभी आपने पढ़ा है अम्मा कराम को शराय सदर हो जाता था, और मांगने वाले को मरहबा कहते थे कि ये तो मेरे गुनाह धुलाने के लिए सामान बन गया। रात कल नसीब होती है, रिस्क में इजाफा होता है, खर्च करने से रहमतें नाजिल होती हैं। पैसे की नहीं बात हो रही, हर चीज आपने इसमें ये डिटेल में एक टॉपिक हमारा है, हर चीज खर्च करें, रहमतें नाजिल होती है, जिनको देता है उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं, और फिर दे के दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, और फिर उसको जताए ना, उसको एहसान ना जताए, उसको तकलीफ ना पहुंचाए। गरीबी का इलाज होता है, फिक्र का इलाज होता है, बुरी मौत से बच जाएंगे, बुखल और तकब्बुर का इलाज हो जाएगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे, रूठे हुए रिश्तों को मनाने का जरिया होगा, तस्किया नफ्स का बाइस होगा, बलाओं और मुसीबतों का इलाज और उनको टालने का इलाज होगा। इस पे अब इस पे भी बहुत सारी बातें, लेकिन चलिए हम सिर्फ गिन लेते हैं कि क्या क्या करना। वसवसों, घुटन और दिल की तंगी का इलाज होगा, बीमारियों का इलाज होगा, अजाब को दूर करता है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, कब्र में हिफाजत करता है, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है, हशर के मैदान में कयामत के दिन उसकी हौलनाकियों से निजात मिलेगी, क्योंकि गुस्सा अल्लाह के गजब को ठंडा करता है। अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए खर्च करना है हमें, अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हैं, खर्च करते हुए रियाकारी और दिखलावे से बचेंगे, छुप कर खर्च करेंगे, हलाल कमाई में से खर्च करेंगे, तैयब माल में से खर्च करेंगे, हराम कमाई से जो है कबूल नहीं होता है, असराफ से बचेंगे, खर्च करके एहसान ना जतलाएंगे, अपनी पसंदीदा चीजों में से खर्च करेंगे। इंसान को अपनी जिंदगी में अपने हाथ से दे देना चाहिए, अपनी जिंदगी में दे देंगे, हमें गिन गिन कर रखने की बजाय अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए। उसके बाद बाद जमान और मकान के एतबार से सदके का अजर बढ़ जाता है, यानी कि आप जगहों पे खर्च करें, ठीक है, मकान यानी जगहों पर, मक्का और मदीने में खर्च करें, हरम के अंदर खर्च करें, कुर्सियां वहां रखवा दें, व्हील चेयर रखवा दें, जो आप कुर्सी पे पढ़ते हैं वो वहां पे छोड़ दें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग आते हैं घुटने के मरीज, गरीब वगैरह, वो सॉरी क्या बूढ़े वगैरह आते हैं तो उनके लिए कुर्सियां काम आएंगी। मसाकीन वगैरह पर खर्च करें, सफर के दौरान अपने साथियों पर खर्च करें, दीगर मुसाफिर मुसाफिरों पर खर्च करें,
बीमारी के वक्त खर्च करना, जब इस बात की जरूरत हो कि अपने इलाज के लिए भी पैसे चाहिए हो, आपके इलाज के लिए पैसे चाहिए उस वक्त खर्च कर दें, खास तौर पर रोजा खुलवाएं उस पर सवाब है, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, ईद के दिनों में खर्च करें, जो गरीब मिस्कीन जो बच्चे हैं जिनको ईद के कपड़े नसीब नहीं हो रहे उनको ईद की खुशियों में दे के कपड़े वगैरह पैसे वगैरह शामिल कर रहे हैं, रमजान के महीने में बहुत खुश खर्च करें क्योंकि रमजान में नफिल इबादत का सवाब जो है फर्ज इबादत के बराबर मिलता है, अशरा जुलहज में खर्च करने का बहुत सवाब है और ताक रातों में खर्च करने का बहुत सवाब है, अशरा जुलहज जो आते हैं उसमें भी बहुत खर्च करें, हज पर खर्च करना है, भूख के दिन खाना खिलाना है, बीमार के इलाज के लिए खर्च करना है, जरूरतमंदों को तलाश करके देना है, बाज लोग मांगते नहीं है उनको ढूंढना पड़ता है, अपने ही खानदान में होते हैं अपने इर्द गिर्द होते हैं, देने वाला मिजाज ही बन जाए, इस तरह खर्च करें कि हमारा मिजाज ही देने वाला हो जाए, इसका फायदा ना सिर्फ उसकी जिंदगी में होता है बल्कि उसकी मौत के बाद भी जब तक असर बाकी रहता है उसके लिए वो सबका जारिया होगा, नफा देने वाला बनना चाहिए हमें, नफा देने वाला हम बने, ये आला तरीन जज्बा है, वसी दायरे वाला इंसान बन जाता है इंसान, यही जज्बा उम्मत मुस्लिमा का खासा है, और फिर फायदा देने वाला बनना चाहिए, खास तौर पर रमजान का मैंने आपको बताया, और फिर हर मद में खर्च करें, ख्वाह जितना भी हो सके जरूर डालें, जरूर उसमें डालें जितनी चीजें मैंने बताई, उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला, अब एक हम लोग वो देख लेते हैं कि एक अमीर तरीन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनका नाम अब्दुलरहमान बिन औफ रदी अल्लाह अनु था, उनकी दुआ थी अल्लाहुम्मा किनी शोहा नफसी, ए अल्लाह मुझे मेरी नफ्स की बुखीली तंगी हिर्स से बचा लीजिए, दुआ स्क्रीन पे दिखा दीजिए, द सप्लिकेशन ऑफ अब्दुलरहमान बिन औफ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन एट द टाइम ऑफ प्रोफेट सल्लम, ये बहुत अमीर सहाबी थे अब्दुलरहमान बिन औफ, उन्होंने दुआ की थी अल्लाहुम्मा किनी शोहा नफसी, ए अल्लाह मुझे मेरी नफ्स की बखीली तंगी हिर्स से बचा ले, उसके बाद हम देखते हैं जी एक हदीस है हम देख लेते हैं, हदीसें हैं कुछ, अच्छा रसूल हसन ने फरमाया अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है, तुम्हारा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है, भटक जाने वाली जगह में किसी आदमी को तुम्हारा रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है, नाबीना और कम देखने वाले आदमी को रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है, पत्थर काटना हड्डी को रास्ते से हटाना तुम्हारे लिए सदका है, अपनी डोल से अपने भाई के डोल में तुम्हारा पानी डालना तुम्हारे लिए सदका है, और फिर फरमाया कि अपने मतरफ अपने वालिद से रिवायत करते कि उन्होंने कहा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, आप उस वक्त सूरत तकासुर की तिलावत फरमा रहे थे, आपने फरमाया इब्ने आदम कहता है मेरा माल ए इब्ने आदम, हालांकि तेरा माल तो सिर्फ वो है जो तूने खाया और खत्म कर दिया या पह लिया और बोसीदा कर दिया या सदका करके आखिरत के लिए भेज दिया, उसके बाद हम देखते हैं सैयदना अबू हुरैरा रضي अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या फरमाया, आदमी का खजाना कयामत के दिन दो सियाह नुक्ते वाले गंजे सांप की शक्ल में अख्तियार कर लेगा, फिर वो अपने मालिक का पीछा करेगा, वो उससे बचने की कोशिश करेगा लेकिन वो सांप उसका पीछा करता रहेगा यहाँ तक कि वो अपनी उंगली उसके मुंह में डाल देगा, अस्तग़फिरुल्लाह, रसूल अल्लाह सब ने फरमाया जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया और फिर उसने उसकी जकात नहीं अदा की आखिर में उसका माल नहायत जहरीले सांप बनकर जिसकी आंखों के ऊपर दो नुक्ते होंगे उसकी गर्दन में तौक की तरह पहना दिया जाएगा, फिर वो सांप उसके दोनों जबड़ों को पकड़ कर कहेगा कि मैं ही तेरा माल हूँ मैं ही तेरा खजाना हूँ, फिर आपने इस आयत की तिलावत वला यहसबन्नल्लज़ीना यक्फुलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली की तिलावत की, और जो लोग इस माल में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दे रखा है वो ये ना समझे कि ये माल उनके हक में बेहतर है, आखिर तक आपने आयत पढ़ी, फिर हजरत अबू हुरैरा रضي अल्लाह अन्हु से हमें एक रिवायत मिलती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस में कि सदके ने माल में कभी कोई कमी नहीं की और माफ करने से अल्लाह ताला बंदे को इज्जत ही में बढ़ाता है, और कोई शख्स सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर तवाज़ा इंकसार इख्तियार नहीं करता मगर अल्लाह ताला उसका मकाम बुलंद कर देता है, फिर एक और हदीस मुबारक रसूल सल्लम ने फरमाया तुम में कौन शख्स है जिसको अपने माल से ज्यादा अपने वारिस के माल से मोहब्बत पसंद हो, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल हम में से हर शख्स को अपना माल अपने वारिस के माल से ज्यादा महबूब और पसंदीदा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया समझो इस बात को तुम में से हर शख्स को अपने वारिस का माल अपने माल से ज्यादा अजीज व महबूब है, तुम्हारा माल तो वो है जो तुमने मरने से पहले अपनी आखिरत में काम आने के लिए आगे भेज दिया,
और तुम्हारे वारिस का माल वो है जो तुमने मरने के बाद अपने पीछे छोड़ दिया, तो अपने हाथ से मेरी बहनों दे के चली जाए। आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने यानी अहले बैत ने एक बकरी ज़बह की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियात फरमाया इससे कुछ बचा है उस बकरी से? तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया उसकी दस्ती बची है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी दस्ती के सिवा बाकी सब बच गया, यानी दस्ती तो दुनिया में रह गई, जो तुमने बांट दिया वो वहां पहुंच गया, वो बच गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करना अल्लाह के गजब को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। इंसान के हर जोड़ पर सदका लाजिम है, इंसान के हर जोड़ पर सदका लाजिम होता है। रसूल अल्लाह सबसे फरमाया दो आदमियों के दरमियान इंसाफ करना भी सदका है। आदमी को सवारी पर सवार करने में मदद करना या उसका सामान लादने में मदद करना भी सदका है। अच्छी बात कहना भी सदका है। और हर कदम जो नमाज के लिए उठता है वो भी सदका है। और रास्ते से तकलीफ दह चीज दूर करना भी सदका है। केले का छिलका, फिसलनी चीजें भी उठा लिया करें, क्योंकि केले के छिलके से तो ऐसे इंसान फिसलते हैं कि हिप बोन और पता नहीं हड्डियां टूट जाती हैं, और इंसान जो है सर्जरी और हड्डी और स्टील की रॉड डाली जाती है। तो ये भी सदका है। सदके से इलाज, अपने मरीजों का इलाज सदके के जरिए, अपने मरीजों का सदके के जरिए इलाज करो। आजी इख्तियार करने का अजर, सदका देने से माल कम नहीं होता, और जो बंदा माफ कर देता है अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है, जो बंदा अल्लाह ताला के लिए आजी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद करता है। जिस मुसलमान बंदे जब आप सबसे फरमाया जब मुसलमान बंदा सदका करता है तो वो उसके जरिए 70 शैतानों के जबड़े को तोड़ डालता है। और फिर चौथे पारे के शुरू में आपने पढ़ा है लन, इस पे हम एंड करते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन वमा तुनफिकु मिन शैइन फइन्ना अल्लाह बिही अलीम। जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज से अल्लाह ताला की राह में खर्च ना करो हरगिज भलाई को ना पाओगे, और तुम जो खर्च करो उसे अल्लाह बखूबी जानता है। फिर हमने ये आयत से शुरू की थी, सूरह बकरा आयत नंबर 261, के जो लोग अपने अपने माल अल्लाह की राह में खर्च अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए उससे 7 बाले निकले और हर बाल में 100 दाने हो। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है अफजूनी अता फरमाता है, और फराग दस भी है और अलीम भी है। तो अल्लाह ताला जो है हमें जो है खर्च करने वाला बना दे। और हम ने हर तरह की चीज़ें, हम सिर्फ माल को समझते हैं, लेकिन अब आज हमने जाना समझा कि आपके टैलेंट्स भी हैं, आपकी महारत है, आपका जाह है, आपका मनसब है, आपका वक्त है, आपकी इल्म है, जो भी और आपकी स्किल्स है, जो भी आपको है पास है उस सब को खर्च करना है। तो हर नेकी का अजर 10 से 700 गुना है। अल्लाह ताला हमें उनमें से बना दे जो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, जो खर्च करेंगे तो हशर की सख्तियों से भी बच जाएंगे। अल्लाह के गुजब जो आफत बलाएं मुश्किलें अल्लाह ताला हमें उनसे भी बचा ले, और माल को खर्च करने वाला बना दे, जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें अमल करने वाला बना दे। वाखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। इंशाल्लाह हम हमारी सीमा बहन है उनकी सर्जरी हुई है, तो हम उनके लिए दुआ कर लेते हैं, तमाम मरीजों के लिए भी कर लेते हैं। आउज़ भी चलें दुआ करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाहुल आलमीन, हमारी दुआओं में हमारी हाजिर गैर हाजिर तमाम बहनें शामिल हैं, हमारे बच्चे, हमारे शौहर, हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारी बहू, बेटे, बेटियां, दामाद, पोते, पोता, नवासे, नवासियां, या इलाही कुल मुस्लिम, मुस्लिमात, मोमिन, मोमनात शामिल हैं। और जो या इलाहुल आलमीन, हमारी सीमा बहन की सर्जरी हुई है, ना इलाही उन्हें शिफाए कुलिया कामला अजला अता फरमाए। जितने भी या इलाही मरीज हैं उनमें हम सब
कोई नहीं कहे कि मैं बीमार नहीं हूँ, सब शामिल है, सब कोई ना कोई छोटी मोटी बड़ी छोटी बीमारियों में मुबतला है। इलाही तो सबको शिफाए कुलिया कामला आजला अता फरमाइए। आमीन। बस या रब नास वशफी अंता शाफी ला शिफा इल्ला शिफा उका शिफा उल्ला युगादिरु सकमा। ऐ लोगों के रब, तकलीफ को दूर कर दीजिए और शफा अता फरमाइए। आप ही शिफा देने वाले हैं, आपकी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं, ऐसी शिफा जो बीमारी को बाकी ना छोड़े। या इलाहुलआलमीन असल असअलुल्लाहलअजीमा रब्बिलअर्शिलअजीम अन यशफीका। हम अजमत वाले अल्लाह से, अर्श अजीम के रब से सवाल करते हैं कि वो हमारी सीमा बहन को और हम सबको, तमाम मरीजों को शिफाए कुलिया कामला आजला अता फरमा दे। आमीन। हम, हमारी जात, हमारे शौहर, बच्चे, जो जो बीमार हैं, हमारी हाजिर हाजिर सब बहनें, अल्लाह ताला सबको शिफाए कुलिया कामला आजला अता फरमा आमीन। दे। इलाही मेरी बहनों ने हाथ फैलाए हुए हैं, या इलाही हम सब आपकी मोहब्बत में जमा होते हैं अखलासी नीयत के साथ। इलाहुलआलमीन या इलाही सबका आना बैठना कबूल फरमा लीजिए, और इलाही मेरी बहनों की जायज तमन्नाएं, ने ख्वाहिशात आरज़ुएं पूरी कर दीजिए। इलाहुलआलमीन सबकी रोजी में बरकत दीजिए, सबकी मुश्किलात आसान फरमा दीजिए, जो जो मुश्किलात है इलाही। और या इलाही सबको हज उमरे की सादत बार बार नसीब फरमाइए, रोजे रसूल की सादत नसीब फरमाइए। या इलाही साल में हमें मौत दीजिएगा कि आप हमसे राजी हों। इलाहुलआलमीन पुरसरात आसान फरमा दीजिएगा, मीजान पे नेक आमाल का पड़ा भारी कर दीजिएगा। अल्लाह हासिबना हिसाब यसीरा, इलाही हमारा आसान हिसाब कीजिएगा। या इलाही हमें हमारी मौत सकरात आसान कर फरमा दीजिएगा, मरते वक्त कलमाए शहादत नसीब फरमा दीजिएगा, तौबा की तौफीक नसीब फरमा दीजिएगा। इलाही दुनिया वाले जब अपनी दुनिया से अपनी दिल और आंखें ठंडी कर रही हों, या इलाही हमारी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दीजिए, अपने जिक्र में रख दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा इन्ना सलोका मिन खैरी मा सअलका मिन्हु नबीयका हबीबिका सय्यदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व आऊज़ु बिका मिन शर्री मस्तआज़का मिन्हु नबीयका हबीबिका सय्यदिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही हम ये जामे दुआ मांगते हैं जिसको आप सबसे ने मांगी। इलाही हम आपसे हर उस शेष हर उस चीज की खैर तलब करते हैं जिसका सवाल आप सबसे ने किया, और हम हर उस शर से पनाह मांगते हैं जिस शर से, जिन जिन शर से आपसे सबने पनाह मांगी है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन व जलना लिल्मुत्तकीना इमामा। इलाहुलआलमीन हमारे शौहरों को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए, हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दीजिए, और मुत्तकियों का भी इमाम बना दीजिए। इलाही आपने इस खित्ते पे भेजा है, या इलाही हमसे अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का काम ले लीजिए। हमें कुरान का हामिल, कुरान का आलिम, कुरान का आमिल बना दीजिए, कुरान पे अमल करने वाले, कुरान को उठाने वाले, फैलाने वाले, कुरान पर चलने वाले, कुरान को पर अमल करने वाला बना दीजिए। इलाहुलआलमीन हमसे या इलाही ऐसे काम ले लीजिए जो कि आज हमने पढ़ा, कि हमारी मौत तक वो हमारे लिए सदका जारिया हो, हमारे वालदेन को हमारे लिए सदका जारिया बना दीजिए, और हमें अपने वालदेन के लिए, या इलाही हमें अपने वालदेन के लिए सदका जारिया बना दीजिए, हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बना लीजिए। इलाहुलआलमीन जो मांगने से रह गया, जो ना मांग सके, इलाहुलआलमीन वो जो हमारे हक में बेहतर हो वो हमें अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा सब्बितना वजलना हादी अम्मा दिया, अल्लाहुम्मा फक्केहना फिद दीन वालिम वालिमना तावील तावील, अल्लाहुम्मा अल्लिमना किताब, अल्लाहुम्मा अल्लिमना हिक्मा, अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनत ईमान वजलना हुदातम मुहतदीन। लाई हमारे दिलों को ईमान की जीनत से मुहैया, या इलाही मुजयन कर दीजिए, हम ईमान की जीनत से आरास्ता पैरास्ता हमारे दिलों को पैरास्ता कर दीजिए इलाहुलआलमीन, और हमें मुत्तकियों का भी इमाम बना दीजिए। इलाही पूरी आमीन। तकदीर से हमें बचा लीजिए। इलाही इस फितने के दौर में, या इलाही जो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें फायदे भी हैं नुकसान भी है, या इलाही मिनल फितने मा ज़हरा मिना व बताना। या इलाही बच्चों को हम घर में दीन की तालीम देते हैं, बाहर वो जॉब प्लेसिस पे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कुछ और पाते हैं। इलाहुलआलमीन इन्हें जो है अपने खास फरिश्तों से इनकी मदद फरमाइए। अब या इलाही इनके और हमारे ईमान को मजबूती अता फरमाइए, हमें साबित कदम रखिए इलाही, और हक की पैरवी करा दीजिए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कं वरज़क़ना इत्तिबाअहु वरिनल बातिला बातिला वरज़क़ना इज्तिनाबहु। या इलाही हक को हक दिखा दीजिए, हक की पैरवी करवा दीजिए, और बातिल से को बातिल दिखाइए, झूठ को झूठ दिखाइए, और बातिल से हमें हमारे बच्चों शौहरों सबको इज्तनाब फरमा दीजिए। इलाही हम फिर से हमारी बहन की सर्जरी हुई, और ऐसे कितने लोगों की सर्जरीज हुई होंगी, इलाही कितने लोग बीमार होंगे, उनमें हम सब शामिल हैं, सब बहने
हमारे घर वाले कुल मुस्लिम मुस्लिमात मोमिन शामिल है। अखलल्लाजीम रबिल अर्शिल अजीम आई अशफी का हमारे आना बैठना पढ़ना कबूल फरमा लीजिए। या इलाही हमारे हमसे जो गलतियाँ हुई है उसको अपने खाने करीमी और रहीमी से माफ़ फरमा दीजिए। सुभान रब्बी का रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन وتوب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة آپ الله میں سے کوئی بہن جو آج ہمارا درس ہوا ہے اس پہ کوئی صدقہ دینے کے بعد آپ لوگوں کو فائدہ ہوا ہو مشکل آسان ہوئی ہے ضرور ہوتا ہے مجھے تو بہت ہی میرا تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو آلویز حل ہوا ہے جب بھی میں نے اس کا کوئی بات رکھنا چاہتی ہوں تو رکھیں تو یہ ہے کہ کچھ کہنا چاہتی ہوں آج کے جو ٹاپک کے متعلق کوئی بہن تو آپ اپنی بات ضرور رکھ سکتے